तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स एक बहुत कॉमन इशू है। मेरी तरह सभी लेडीज़ इस इशू से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर घंटों रोना और हर किसी की बात दिल पर लेकर बैठ जाना, रातों की नींदें उड़ा लेना, ऐसे में ये अपने लिए ही प्रॉब्लम बढ़ाने के मुतरादिव हो जाता है। मैं भी इस प्रेगनेंसी इस खतरनाक हथियार का बुरी तरह शिकार होती आ रही हूँ और जाहिर है इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना भी चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की ठानी, मूड स्विंग्स के बारे में काफ़ी रिसर्च की और इस प्रॉब्लम से निमटने की तदबीर भी फाइंड आउट की। तो अगर आप भी इस परेशानी का शिकार हैं और प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बात कर लेते हैं मूड स्विंग्स की वजूहात की। मूड स्विंग्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल लेवल का चेंज होना है। स्पेशली जब कोई लेडी कंसीव करती है तो इसके ब्लड में ईस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। ये हार्मोन्स बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करने के साथ साथ आपके मूड पर भी अफेक्ट करते हैं और इस तरह आप इजिली इरिटेट हो जाती हैं और टेयरफुल फील करती हैं। ये प्रेगनेंसी हार्मोन की फ्लक्चुएशन आपके रेगुलर मूड को भी ट्रिगर करती है जिसकी वजह से आप अल्ट्रा सेंसिटिव हो जाती हैं। ये मूड स्विंग्स फिजिकल स्ट्रेस, फटीग और आपके मेटाबॉलिज्म में चेंज होने की वजह से भी होते हैं और ये मोस्टली फर्स्ट ट्रेमेस्टर यानी 6-10 वीक में होता है और देन अगेन थर्ड ट्रेमेस्टर में बढ़ जाता है जब आपकी बॉडी बर्थ के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तो जनाब, ये तो बात हो गई मूड स्विंग्स के कॉजेस की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो मुझे ये कुछ टिप्स मिली और मैंने फॉलो करी तो मुझे काफी अफाका हुआ, तो क्यों ना लेट्स शेयर। टिप नंबर 1 है कि खुश रहना सीखें और खुश रहने का पहला उसूल है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी का एहसास। अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं उन पर शुक्र करने की आदत डालें बनिस्बत इसके जो हमारे पास नहीं है इसकी फिक्र में अपने आप को स्ट्रेस में रखा जाए। तो डेफिनेटली जब हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आएगा तो स्ट्रेस दुम दबाकर भाग जाएगा। नेक्स्ट टिप है कीप योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव। ये टिप बड़े कमाल होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव भी है। दूसरे मेल्स और फीमेल्स भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि खाली बैठे रहने से बहुत सारी उल्टी सीधी सोचें माइंड में आने लगती हैं और उनके बारे में सोच सोच कर हम अपने आप को बिला वजह हलकान करते रहते हैं। मैंने ये गोल्डन वर्ड्स कहीं पढ़े थे कि किसी भी नेगेटिव बात पर 5 मिनट से ज्यादा रोना धोना और गुस्सा ना करें। 5 मिनट का टाइमर लगा लें और जितना गुस्सा करना है, जितना रोना धोना है, सारी भड़ास निकाल दें और 5 मिनट बाद मूव ऑन करें और आगे बढ़ जाएं। हम एक ही बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं और अपने आप को डिप्रेस्ड रखते हैं, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखें। न फालतू बैठेंगे, न बिला वजह की सोचें जन्म लेंगी और हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत फेवरेट है और वो है इंडल्ज द आर्ट ऑफ क्रिएशन। ये टिप मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई और मैंने इस टिप को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया। अपनी हॉबीज को टाइम देना शुरू किया। मैं प्लांटिंग करती हूँ, अपना आर्ट वर्क करती हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आपकी भी जो हॉबीज हैं वो अपनाएं, आपको पर्सनली फील होगा कि आपको डीप सेटिस्फेक्शन मिल रही है। नेक्स्ट टिप इज गेट एम्पल टाइम टू रेस्ट। डेफिनेटली रेस्ट करने से आप रिलैक्स रहेंगे और नींद भी भरपूर आएगी। दुनिया जहान की फ्रस्ट्रेशन बिस्तर पर साथ लेकर सोने के बजाय टेंशन फ्री होकर सोने की कोशिश करें। इसके लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख लें या कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देख लें ताकि आपको रिलैक्सेशन फील हो। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप है हेल्दी डाइट, जो डेफिनेटली आपके ओवरऑल हार्मोनल सिस्टम पर अफेक्ट करती है। इस प्रेगनेंसी डाइट से रिलेटेड मेरी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल सकती हैं। सो आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। ये एक ऐसा इशू है जिसकी मेडिकेशन तो बहुत दूर की बात, इस पर बात करना भी इतना कोई जरूरी नहीं समझा जाता। इस भरे जहां में अपनी परेशानी कहें तो किससे कहें, मैं हूं ना बताने के लिए। वीडियो पसंद आती है लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। मेरा आर्ट वर्क आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।